क्षेत्रीय पंचायत चुनाव को लेकर फंसा पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद अब चुनाव आयोग के पाले में पहुंची थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान के अनुसार चुनाव आयोग कराए चुनाव। नमस्कार, समाचार विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पेंच लगातार फंसता जा रहा है, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद अब पाले में गेंद पहुंच गई है चुनाव आयोग के। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निर्देश दिया है कि चुनाव आयोग संविधान के अनुसार चुनाव को संपन्न कराए। कानून के जानकार अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। सरकार का अपना पक्ष है, याचिकाकर्ताओं का अपना पक्ष है, चुनाव आयोग का अपना पक्ष है, और फिर कानून के ज्ञाताओं का अपना पक्ष है। परंतु यह पेच लगातार फंसता जा रहा है और कभी इस पाले में गेंद जाती है, कभी उस पाले में गेंद जाती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं, नामांकन फॉर्म भरे जा रहे हैं, सरकार तैयारियां पूरी कर चुकी है, चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी थी, और फिर उसी बीच याचिका दायर की गई और उस याचिका के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के पाले में गेंद डाल दी है। मामले को लेकर एक जो याचिका डाली गई थी वो थी जया ठाकुर के द्वारा। जया ठाकुर समाज से भी हैं और फिर एक राजनीतिक दल से ताल्लुक भी रखती हैं। उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई और इसके पूर्व उन्होंने यह याचिका दायर की थी और उसमें कहा था कि पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश सरकार नहीं करा रही है और सरकार को इस चुनाव को कराना चाहिए। उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, सर्वोच्च न्यायालय में भी की गई, और फिर सरकार ने सीधे घोषणा कर दी कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। पर रोस्टर जो हुआ उसको लेकर पेच फंस गया। फिर याचिका दायर की गई, आपत्ति दर्ज कराई गई और फिर जो कुछ हो रहा था वो सबके सामने था। जया ठाकुर, डॉक्टर जया ठाकुर द्वारा फिर एक आपत्ति दर्ज कराते हुए एक याचिका दायर की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर चुनाव आयोग। मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण सिंह, हम चर्चा करते हैं। पंचायत इलेक्शन को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट की एक जो डायरेक्शन आई है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है इलेक्शन कमीशन के लिए कि इलेक्शन अगर संविधान संगत है तभी आप कराइए, अदरवाइज आप टैक्स पेयर की मनी वेस्ट मत करिए। साथ ही साथ ही निर्देश दिया है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन को हटाने के लिए सरकार को डायरेक्शन दिया है। हमें ऐसा लगता है कि ये बड़ी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है, इसमें सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि सरकार अपना पक्ष रखेगी तो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये वस्तु स्थिति नहीं क्लियर कराई गई कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी को रिजर्वेशन लोकल बॉडी में दिया जा रहा है वो सिर्फ 13% है और 50% से ऊपर नहीं जा रहा है। टोटल रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी को 30% दिया जा रहा है। अगर ये तथ्य अवगत कराए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने तो हमें लगता है कि निर्णय कुछ और होगा। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जो हवाला दिया जा रहा है वहां पे 50% से ऊपर एक्सेस हो रहा था रिजर्वेशन, इसलिए ये ऑर्डर पास किया गया था। पर मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, परंतु इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में इलेक्शन करा रहा है। इसके बावजूद भी उसमें काफी सारी संवैधानिक विसंगतियां हैं। रोटेशन को लेके डॉक्टर जया ठाकुर की पिटीशन 21 दिसंबर को लगी हुई है जिसपे महत्वपूर्ण सुनवाई अभी हाईकोर्ट में बाकी है। जब इतनी सारी विसंगतियां हैं और इस विसंगतियों पर जब विस्तार से सुनवाई होगी और सेट असाइड हो जाएगा तो इसमें टैक्स पेयर का मनी इन्वॉल्व है और उनका पैसा वेस्ट होगा, स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग होगा। ऐसे समय पे अभी फिलहाल के लिए इनको इलेक्शन टालना चाहिए। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन कराने के लिए सबसे पहले पिटीशन फाइल की थी, क्योंकि 2 साल से ऊपर से मध्य प्रदेश सरकार इलेक्शन नहीं करवा रही थी और इलेक्शन
ये जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है आम आदमी को अधिकार देता है, आम आदमी की इन्वॉल्वमेंट रखता है लोकल गवर्नेंस में। इसलिए हम लोगों ने ही पिटीशन फाइल की थी कि आप लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाइए जल्द से जल्द। पर चूंकि इस तरीके से जो डिसीजन लिया है इसमें सरकार को फिर से सोचना चाहिए।